लगता है कि बंदूक में इतना तेज मारा है कि बंदूक की गोली गई है, ऐसा नहीं होता है। बंदूक की गोली बहुत धीमे चोट करती है, मतलब बहुत ही धीमा, ऐसा नहीं है इतना बहुत ज़्यादा दम लगाता है। एक्चुअली बंदूक की गोली जाती है कारतूस के दम पर। ये बंदूक के पीछे जो होता है ना, ये कार्टेज होता है, इसमें बारूद भरा होता है। इसमें क्या भरा होता है? बारूद भरा होता है। और इसके आगे होती है आपकी बुलेट, शरीर में यही थोड़ा सा जाता है, बाकी ये वाला जो एरिया होता है ना, इसमें इसमें आपका गन पाउडर भरा होता है, गन पाउडर भरा होता है। और इसके पीछे होता है प्राइमर, इसके पीछे होता है एक तो प्राइमर। प्राइमर जो होता है एक्चुअली देखिए, माचिस के मुहुआ पे देखिए ना, ठोड़वा पे फास्फोरस लगा होता, तनियों से रगड़िएगा तो जल जाएगा, बस वैसा ही पिछवा प्राइमर होता है। इसको तनियों से चोट मारेंगे ना तो ये आग पकड़ लेगा। तो पिछवा जो ट्रिगर दबाते हैं ना, ऐसे जब ट्रिगर दबाते हैं तो ट्रिगर वहाँ पीछे आता है, उसका हैमर बोलते हैं, ठक से मारता है किस पे? प्राइमर पे। अब प्राइमर पे मारेगा तो आग लग जाएगा, और जब आग लगेगा तो ये ब्लास्ट करेगा यहाँ रॉकेट में। कैसे रॉकेट देखे, आग लगाते हैं तो उसमें बारूद पकड़ता है, सड़ाक से लेके चल जाता है, बस वही तो रॉकेट है। तो है इसको आग लगाएंगे। बंदूक के ऊपर का मेटल जो होता है, नली जो होती है, ससुरा यही मिट गया। बंदूक के ऊपर की जो नली होती है, मिटता क्यों है भाई? ये बंदूक के ऊपर की नली बहुत मोटी होती है, इस तरह से, इस तरह से। अब इसमें पकड़ लिया आग, ये ना ऊपर भड़क सकता है नीचे भड़, अब पीछे से तो मरबे किया है तो भड़केगा किधर? आगे भड़केगा। और जब आगे भड़कता है तो ये जो है आगे, ये वाला हिस्सा इसी को आगे ढकेल के भेज देता है, जा यहाँ से, ये सीधे निकल जाता है। ये जब निकल जाता है आगे, ये तेज़ी से निकल जाता है, और ये जो खोखला वाला हिस्सा है ये बाहर फेंका जाता है। कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है। तो इसी को कहते हैं खोखा, ये बेचता है सब कोई। भाई खोखवा काम लायक बच जाता है, दोबारा बारूद भर के इसमें मार सकते हैं। प्राइमर वगैरह थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है।